जय हिंद एवरीवन, मैं डॉक्टर सपना अग्रवाल फ्रॉम आई बिग वंडर इंटेलिजेंस स्कूल। न्यू ईयर इज जस्ट अबाउट टू कम और कैसे बनाए रेजोल्यूशंस खाली अपने नहीं बच्चों के साथ, तो आज मैं आपको बताऊंगी कि न्यू ईयर रेजोल्यूशंस कितने इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, कैसे बनवाए बच्चों के साथ और क्या क्या करें। क्योंकि खाली टीवी देखकर या एक मूवी देखना और सब लोग रात को काउच पर आराम से एक साथ सो जाएं, दैट इज नो फन। और जिनके घरों में दो बच्चे हैं ना, बड़ा बच्चा टीनेजर या उससे बड़ा हो चुका है और वो बहुत जल्दी घर से बाहर जाने ही वाले हैं, तो इस साल को स्पेशल बनाइए और बच्चों के साथ सेलिब्रेट करिए। हर पेरेंट चाहते हैं कि बच्चों के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर बन जाए जो बाद में हैबिट बन जाए, राइट? बच्चों के साथ एक फैमिली की अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ न्यू अपॉर्चुनिटी, और फैमिली टीम बन जाए। फन अपॉर्चुनिटीज बच्चों को ऐसी दीजिए ताकि न्यू ईयर में बहुत मजा आए। तो मैं आपको बताती हूँ कुछ स्मार्ट टेक्निक्स, और स्मार्ट से मेरा मतलब है स्पेसिफिक, मेजरेबल, अचीवेबल, रियलिस्टिक एंड टाइमली। क्या करें बच्चों के साथ इस साल? देखिए, मैं तो आपको सबसे पहले बोलूंगी कि रात का 1 से 1.5 घंटा वो स्पेशल सेलिब्रेशन के लिए रखें। रुकिए मेरे साथ वीडियो के एंड तक, बताती हूँ स्पेशल सेलिब्रेशन कैसे करना है। उससे पहले रेजोल्यूशन विद किड्स। नंबर वन, बच्चों के साथ कोई ना कोई काइंडनेस का एक्ट करें या काइंडनेस डिस्कस करें एवरी डे। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। बच्चों को आपने अगर कोई काम करने के लिए दिया है और बच्चों ने टारगेट अचीव किया है या लगभग अचीव किया है, प्रेज योर किड्स। फाइंड अ रीजन टू प्रेज योर किड्स एवरी डे। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट। मेक योर किड थैंक समवन एवरी डे। हमारे घरों में कितने सारे लोग काम कर रहे होते हैं, बच्चों के अंदर एक ग्रैटिट्यूड की फीलिंग आएगी। यू आर गिविंग देम सो मेनी थिंग्स टुगेदर। अच्छा, बच्चों के साथ एज अ फैमिली आप लोग एक वॉलंटियरिंग एक्टिविटी कर सकते हैं। टाइमलाइन अपनी डिसाइड कर लें, महीने में एक बार करना है, 3 महीने में एक बार करना है, 6 महीने में एक बार करना है, या साल में एक बार करना है, मर्जी आपकी है। पर चैरिटी का एक्ट करें। चिल्ड्रन लर्न अ लॉट ऑफ थिंग्स। वोकैबुलरी का रोज एक नया शब्द लर्न करें, पर लर्न करके छोड़ नहीं दें, उसको अप्लाई करना है, यूज करना है। एंड एज अ फैमिली एक नई लैंग्वेज सीखनी शुरू करें इस साल। पूरी फैमिली लर्न करेगी और हफ्ते में एक दिन वही लैंग्वेज में आप सब बात करने वाले हैं। इनफैक्ट ये रेजोल्यूशन तो मैं भी अपनी फैमिली के साथ लेने वाली हूँ, राइट? प्लास्टिक्स को कम यूज करें, बिकम मोर इको फ्रेंडली, नेगेटिव थॉट से तो दूर ही रहना बहुत अच्छा है। सारी बातें करी पर अकेडमिक गोल्स की बात तो मैंने कुछ करी नहीं, तो बच्चों के साथ एकेडमिक गोल के लिए क्या रेजोल्यूशन बनाए? सो दिस ईयर 2020 में मेरी हैंडराइटिंग ठीक थी, नेक्स्ट ईयर मुझे या तो अपनी हैंडराइटिंग को थोड़ा सा और अच्छा करना है या बहुत अच्छा करना है। मैथ्स मुझे समझ में आने लगा, इस बार आई एम गोइंग टू रॉक मैथ्स। एंड साइंसेज में तो मुझे बहुत मजा आने लगा है, राइट? आई एम गोइंग टू डू बेटर इन साइंसेज। माई आर्ट इज बिकमिंग, आई एम बिकमिंग मोर एंड मोर क्रिएटिव। सो दीज आर कपल ऑफ आइडियाज फॉर रेजोल्यूशंस व्हिच यू कैन हैव विद चिल्ड्रन। ऑफ कोर्स फिटनेस remains in place. Each one of us has to be very, very fit. अब मैंने आपसे कहा था कि न्यू ईयर की प्लानिंग कैसे करें, वो 1-1.5 घंटे को स्पेशल कैसे बनाएं। देखिए, मम्मी या घर की लेडी ने खाना बना दिया और सब लोगों ने बैठकर खा लिया स्पेशल खाना, कोई बहुत मजेदार बात नहीं है। या तो पूरी फैमिली एज अ टीम मिलकर कुछ खाना बनाए और खाली खाना खाकर नहीं रुकना है। कम ऑन, गेट अप ऑन योर टोज, यू हैव टू वेलकम द न्यू ईयर। 2020 में भी बहुत कुछ अच्छा हुआ है। We should have a sense of gratitude. सोचिए बैठकर कि क्या अच्छा हुआ है। तो हम डांस करते हुए 2020 को अलविदा कहेंगे और डांस करते हुए 2021 को खुले हाथों से स्वागत करेंगे पूरे जोश के साथ, क्योंकि हमने रेजोल्यूशंस बनाए हैं खाली पतले होने के लिए नहीं, हमने रेजोल्यूशंस बनाए हैं क्योंकि 2021 में हमें बहुत कुछ अचीव करना है। तो मेरे साथ आपको क्या करना है, मेरे वीडियोस को लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, मुझे क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं और सजेशंस तो बहुत सारे आ रहे हैं, सो दैट्स अ फैंटास्टिक आइडिया। चलिए हम सब वेलकम करते हैं इस नए साल को, और मैं हमेशा कहती हूँ, एवरीबॉडी हैज अ राइट टू से आई विल वंडर। इसी के साथ जय हिंद।